हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज 1 जुलाई है और यहाँ पे आज से 1% TDS यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया है। गाइस यहाँ पे बात करें TDS की, तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि यहाँ पे कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, कौन इसे यहाँ पे देगा। तो गाइस यहाँ पे आज के वीडियो में आप लोग को पूरा इसका यहाँ पे डिटेल्स में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे 7 to 8 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए तैयार कर रखे हैं, जिसका यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में आंसर दूंगा। कहीं यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट एक न्यू रूल निकाला है 194S करके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसके अंदर आप लोग को यहाँ पे हर क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पे आपको यहाँ पे 1% TDS देना होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन से ट्रांजेक्शन पे आपको यहाँ पे देना है, कौन से ट्रांजेक्शन पे नहीं देना है, साथ में इसे कौन पे करेगा, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वैसे आप लोग यहाँ पे वीडियो पे एंड तक बने रहे। इसका अपडेट मैंने आप लोग कल अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दिया था। यहाँ पे मैंने आप लोग कुछ यहाँ पे ओवरव्यू बताया था कि यहाँ पे TDS कब लगेगा, नहीं लगेगा, और यहाँ पे कौन से एक्सचेंज यहाँ पे किस समय पे यहाँ पे अपना मेंटेनेंस में जाना, ताकि यहाँ पे TDS का जो भी एल्गोरिथम वगैरह है वो सब अपने यहाँ पे सिस्टम में डाल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और गए चलते क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये जो TDS है यहाँ पे कैसे कटेगा, अगर यहाँ पे हम INR पेयर में यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेते हैं WZIRX की या फिर CoinDCX की, जब भी आप यहाँ पे कोई भी क्रिप्टो परचेज करने जाओगे, जैसे आप यहाँ पे बिटकॉइन भी यहाँ पे परचेज करने जाते हो, तो अगर आपने यहाँ पे 1000 रुपीज़ का परचेज किया, तो गाइस यहाँ पे आप लोग को परचेज के टाइम पे कोई भी यहाँ पे आपको TDS नहीं देना होगा। अगर आप यहाँ पे INR पेयर में यहाँ पे ट्रेड करते हो, तो आप यहाँ पे INR छोड़ कर किसी भी पेयर में यहाँ पे आप ट्रेड करते हो, तो गाइस यहाँ पे आप लोग को बाइंग के समय भी आपको यहाँ पे 1% देना पड़ेगा, और जब सेल करोगे उस समय भी आपको यहाँ पे 1%। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ, तो अगर आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल का, अगर आपके पास यहाँ पे 100 USDT है, आपने यहाँ पे इसे अभी के समय में यहाँ पे परचेज किया कोई भी क्रिप्टो, जैसे अगर यहाँ पे बिटकॉइन या फिर कोई भी अदर क्रिप्टो यहाँ पे परचेज करते हो, ये आपको यहाँ पे USD, जैसे आप यहाँ पे परचेज करोगे आपको यहाँ पे 1% TDS में कट जाएगा। यहाँ पे आपका जो कॉइन जो भी आप यहाँ पे बाई करोगे वो आपको यहाँ पे $99 का ही आपको यहाँ पे परचेज होगा। फिर जब आप यहाँ पे $99 के जो भी क्रिप्टो होगा उसे आप सेल करोगे, तो उस समय आपको यहाँ पे 1% TDS कट जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे INR को छोड़ करके किसी भी अदर यहाँ पे USDT या फिर किसी भी क्रिप्टो से यहाँ पे परचेज करते हो, तो आपको यहाँ पे 2% TDS लग जाएगा। फर्स्ट तो लग जाएगा आपको यहाँ पे USDT को यहाँ पे उस क्रिप्टो में कन्वर्ट करने में, और सेकेंड लग जाएगा आपको यहाँ पे जो भी क्रिप्टो है उसे आप जब सेल करते हो उस समय। अब गाइज यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो गाइज यहाँ पे 1% TDS जब हम लोग किसी एक्सचेंज पे डिपॉजिट करेंगे उस समय भी लगेगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं। जैसे अगर आपने किसी भी इंडियन एक्सचेंज पर आपने यहाँ पे 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया है, तो वो जो आपको यहाँ पे पूरा 1000 रुपीज़ ही आपको यहाँ पे डिपॉजिट होंगे। कोई भी पेमेंट गेटवे आपसे यहाँ पे एक पैसा भी TDS के नाम पर नहीं काटेगा। साथ में यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे किसी एक्सचेंज से हम पैसा विड्रॉल लेते हैं तो उस समय भी यहाँ पे TDS कटेगा कि नहीं? तो गाइस उसका भी आंसर है नो। आपको कोई भी यहाँ पे TDS नहीं पे करना जब आप यहाँ पे किसी एक्सचेंज से विड्रॉल लोगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो TDS है यहाँ पे लॉस पे भी पे करना होगा क्या? तो गाइस हाँ, आपको यहाँ प्रॉफिट हो या फिर यहाँ पे लॉस हो, आपको TDS तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसे आप लोग यहाँ पे क्लेम कर सकते हो जब आप यहाँ पे अपना ITR फाइल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो गाइस यहाँ पे क्या P2P पे भी यहाँ पे TDS लगेगा? तो गाइज हाँ, P2P भी आपको यहाँ पे 1% TDS देना पड़ेगा। मेनली लोग यहाँ पे P2P से USDT बाई करते हैं, या फिर कोई भी अदर आप यहाँ पे क्रिप्टो बाई करते हो, तो गाइज वहाँ पे आप लोग को जो 1% TDS देना पड़ेगा, ये आप पे एंड यहाँ पे सेलर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल से ही समझते हैं बेस्ट रहता है, यहाँ पे जो बाइयर होता है उसे यहाँ पे 1% TDS काटना होता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे USDT परचेज कर रहे हो किसी से, तो आपको यहाँ पे 1% TDS यहाँ पे काट लेना है। अगर आप यहाँ पे सेल करने जा रहे हो, तो सामने वाला बंदा जो है वो आपका यहाँ पे जो भी अमाउंट रहेगा उसमें 1% यहाँ पे TDS काट लेगा। अगर इस पर आपको यहाँ पे और भी क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ पे बताओ, मैं आपको यहाँ पे क्लियरफाई कर दूंगा। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ पे क्या फ्यूचर ट्रेडिंग पे भी TDS लगेगा? तो गाइस इसका आंसर है नो, आपको फ्यूचर ट्रेडिंग पे कोई भी TDS नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, तो गाइस यहाँ पे जो TDS है वो सिर्फ यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज पे एप्लीकेबल रहेगा, या फिर जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उस पर कैसे यहाँ पे वर्क करेगा, या फिर जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है उन सब पे यहाँ पे कैसे वर्क करेगा? अभी के लिए यहाँ पे जो TDS है वो सिर्फ यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज पे लगने वाला है। बाइनेंस ने यहाँ पे थोड़ी दिन पहले यहाँ पे एक नोटिस निकाला था TDS के रिगार्डिंग, बिकॉज अभी यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से यहाँ पे कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है कि वो भी यहाँ पे 1 जुलाई से यहाँ पे स्टार्ट होने ही वाला है। अभी यहाँ पे जो 1% TDS है वो सिर्फ आपको यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज पे पे करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ पे कैसे TDS वगैरह डिटेक्ट करती है, लेकिन वो यहाँ पे बात की बात है। तो गाइस यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे जो TDS है वो यहाँ पे कौन पे करेगा? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे P2P के केस में तो बता दिया कि वो आपके एंड यहाँ पे सेलर पे डिपेंड करता है। प्लीज़ अगर आप लोग यहाँ पे एक्सचेंज से बाई करोगे, तो गाइस यहाँ पे एक्सचेंज आपको यहाँ पे इंस्टेंट आपको उसी समय आपका जो TDS है काट लेगा। जैसे आपने यहाँ पे 1000 रुपीज़ का कोई भी यहाँ पे क्रिप्टो सेल किया, तो गाइस वो जो आपको यहाँ पे कट के 990 आपको यहाँ पे वापस मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे यही थी इस वीडियो में, अगर आप लोग का और भी कोई भी तो यहाँ पे यही थी इस वीडियो में अगर आप लोग का और भी कोई क्वेरी है
टीडीएस की रिगार्डिंग, तो आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं सारे लोग का कमेंट यहाँ पे जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ में गाइज अगर आप लोग ने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जा करके ज्वाइन कर लो। बहुत कुछ आप लोग यहाँ पे मिस कर रहे हो। साथ में गाइज अगर आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।